एक बॉल है 0.1 kg की बॉल है, मेक्स हेड ऑन कोलिजन विद अ बॉल ऑफ अननोन मास लाइंग एट रेस्ट। जब भी कोलिजन का क्वेश्चन आए, डायग्राम कभी गिवन नहीं होगा और बिना डायग्राम के सॉल्व मत करना, बॉल्स का डायग्राम खुद बनाना है। जैसे मैंने बनाया, एक बॉल है 0.1 kg, देख लो 0.1 kg, मेक्स हेड ऑन कोलिजन अननोन मास, इसका अननोन मास है, लाइंग एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब U2 इज इक्वल टू जीरो। तो U2 तो पक्का जीरो है, क्योंकि टक्कर से पहले वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, U1 एंड U2, तो U2 तो पक्का जीरो है। और U1 मान लो U है, मतलब U वेलोसिटी से ये इसकी तरफ आ रही थी। अब क्या हुआ, इफ 0.1 kg रीबाउंड्स एट 1/3 ऑफ ओरिजिनल स्पीड, तो ओरिजिनल स्पीड अगर इसकी यू थी, रीबाउंड का मतलब इन ऑपोजिट डायरेक्शन, टक्कर के बाद क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई और वेलोसिटी क्या हो गई, 1/3 हो गई। तो आई तो यू वेलोसिटी के साथ थी, लेकिन जा कितनी वेलोसिटी के साथ रही है, U/3 इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये क्या है, V1, टक्कर के बाद वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, V1। तो U1 यहां पर कौन है, U, U2 क्या है, जीरो, V1 क्या है, U/3, और इसके बारे में कुछ मेंशन ही नहीं है। वो कह रहे कि अननोन मास निकाल दो, क्या है ठीक, अननोन मास निकाल दो। देखो मेरे को इतना पता है, टक्कर से पहली वेलोसिटी मुझे पता है और मुझे V1 भी पता है, तो एक काम क्यों नहीं करें, V1 का बड़ा सा फॉर्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है, सारी V2 का फॉर्मूला मत यूज करें, V1 का यूज कर लें, V2 तो कुछ गिवन नहीं है ही नहीं इसमें, तो V1 का फॉर्मूला लिख लें, ये V1 का फॉर्मूला है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो V1 का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। अब बताओ मास M1 की जगह क्या पुट करें, 0.1 kg, अननोन मास निकालना है, M1 की जगह 0.1, अननोन मास निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी U1 की जगह U, U और U2 की जगह 0, सेकेंड बॉल किस पे पड़ी हुई है, एट रेस्ट, तो U2 की जगह 0, सही है यहां तक। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें, जब भी बॉल्स इस चैप्टर में राइट जा रही होंगी वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन कोई रीबाउंड करके लेफ्ट जाएगी, तो न्यूमेरिकल में उसकी वेलोसिटी क्या पुट करनी है, नेगेटिव करनी ही करनी है। ऐसे करोगे आंसर गलत आ जाएगा, माइनस साइन के साथ करोगे तो भी आंसर सही आएगा। तो याद रखना, जिसने डायरेक्शन चेंज की उसकी वेलोसिटी नेगेटिव लगेगी ही लगेगी। तो इसलिए जब ये फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, U1 तो राइट की तरफ ही है, तो U1 की जगह तो प्लस U, लेकिन V1 की जगह माइनस U/3, U से U कैंसल, सॉल्व कर लेना, M की वैल्यू आ जाएगी, डन, कैलकुलेशन आप कर लोगे, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसका, कोई डाउट इसमें, कैसे लगेगा फॉर्मूला समझ में आता है यहाँ तक। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, सेम क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि अब एक बॉल है जिसका मास छोटा m है, वो स्ट्राइक करती है एक बॉल को कैपिटल m लाइंग एट रेस्ट। ये बनाना जरूर है कि मान लो u वेलोसिटी है, वेलोसिटी गिवन है तो u ले ली, और ये रेस्ट पे, तो u2 क्या होगा इसका, जीरो, u2 जीरो, u1 पता है। अब वो क्या कह रहा है, आफ्टर कोलिजन छोटा मास m हैज स्पीड 1/3 ऑफ ओरिजिनल। अभी किया था ये क्वेश्चन, लेकिन उसमें कहा था रीबाउंड भी हो रहा है, इसमें रीबाउंड नहीं हो रहा, उसने कहा कि आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड क्या हो गई, 1/3 हो गई। अगर रीबाउंड कहता तो V1 क्या हो जाता, माइनस U/3, रीबाउंड नहीं है तो प्लस U/3, और इसके बारे में पता नहीं, आपको रेशियो निकालनी है दोनों मासेस की। अब तुम्हें U1 पता है, U2 पता है जीरो, सेकेंड बॉल की वेलोसिटी जीरो, आफ्टर कोलिजन V1 पता है U/3, तो तुम V1 का बड़ा सा फॉर्मूला लिखो, इस फॉर्मूले में V1 की जगह प्लस U/3, क्योंकि बॉल इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन, पहले मास की जगह m, छोटे की जगह बड़ा m, पहले की जगह छोटा m, बड़े की जगह बड़ा m, U1 की जगह u, U2 तो जीरो है, u से u कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाल लेना, जो भी ऑप्शन है मार्क कर लेना। अप्लाई कैसे करना है ये फॉर्मूला समझ में आया, हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें। एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अपनी कॉपी में नोट करो प्लीज़।